हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैक साइड के लिए नेक डिज़ाइन की कटिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमने बैक साइड की हाइट के अनुसार यहाँ पर बैक साइड का नाप लिया है, उसकी कटिंग भी की है। ब्लाउज़ की हाइट है 4.5 इंच, यानी कि 13.5 इंच हाइट है, उसमें 1 इंच मिलाकर 14.5 इंच हो गया है। यहाँ पे हमने आर्म होल के लिए 6 इंच का एक बॉक्स बनाया था और उसके अंदर ऐसा इस तरह से हमने उसे शेप दिया है। अब गले के साइड से हम 1.25 इंच की दूरी रखेंगे। गले की लंबाई जो है वो 10 इंच है, तो हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, 10.5 इंच। अब हमें जो गले की डिज़ाइन बनानी है उसके लिए हमें 2 इंच तक हमें नीचे गला लेना है, यानी कि हम 2.5 इंच तक नीचे गले के मार्किंग करते हैं। सबसे पहले तो हम गले को शेप दे देते हैं। 2 इंच का हमें पैच बनाना है, तो सभी तरफ से हमें यहाँ पे 2 इंच पर एक वापस बॉक्स बना लेते हैं, कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर हम गले को आकार देते हैं। कुछ इस तरह से अब इसी के हिसाब से हमें अंदर की तरफ से भी एक शेप देना है। कुछ इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब हम इसके हिसाब से पैच को कट कर देते हैं। थोड़ा सा सिलाई के लिए हमें कपड़ा छोड़ना है और उसी हिसाब से हमें इसके इसे ऐसा शेप देना है। अब हम अंदर का जो हिस्सा है वो भी कट कर देते हैं। तो इस तरह से ये पैच भी हमने कट कर दिया है। अब रह गया बीच वाला हिस्सा जो हम अब कट करते हैं, जिसके लिए हम इस कलर के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे।
तरह से। इस तरह से हमने बैक साइड के लिए नेक डिज़ाइन, साथ ही साथ पैच वर्क के लिए डिज़ाइन भी हमने कट कर दी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।